हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सुपर प्लम्बिंग के ऊपर। आज का जो हम जानकारी लेने वाले आज की, ये है प्लम्बिंग के रिलेटेड। जो प्लम्बिंग हम करने वाले हैं घर में, नया कंस्ट्रक्शन है आपका, रो हाउसेस है, अपार्टमेंट है, या आपका इंडिविजुअल अगर घर भी होगा तो वहाँ पे हम बॉटम से यानी ए टू जेड प्लम्बिंग यानी शुरुआत से हम आखिरी तक, जो हम वाटर टैंक लगाने के बाद नल लगा के हम जब घर के अंदर एंट्री करते हैं वहाँ तक का प्लम्बिंग वर्क कैसे होता है, क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप अप जानने वाले। सबसे पहले जैसे हम रो हाउस हो, अपार्टमेंट हो, या तो फिर हमारा इंडिविजुअल घर हो, तो सबसे पहले हम रो हाउसेस और इंडिविजुअल घर के प्लम्बिंग की हम जानकारी लेंगे। जैसे आपने जगह लिया, परचेस कर दिया, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इंजीनियर है वो हमें डिज़ाइन देता है, तो डिज़ाइन के हिसाब से अगर आपका जो बाथरूम या डक्ट हो वो रोड से अपोजिट साइड यानी बैक साइड में अगर होगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जोता लेवल के पहले इकोड्रेन पाइप हमें डालना है। इकोड्रेन पाइप से हमारा जो है कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो जाती है। प्लम्बिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके जो जगह लेने के साथ जो हम इकोड्रेन की पाइप डालते हैं वहाँ से जब शुरू होती है, तो लास्ट में सब में लास्ट काम भी प्लम्बिंग का ही होता है, वो होता है वेस्ट पाइप और जो हमारे नल लगाते हैं। तो इस तरीके से जो शुरुआत में अगर हमारा प्लम्बिंग चालू हो गया तो प्लम्बिंग वर्क ये आपके घर में जब एंट्री करते हैं तब तक ये काम प्लम्बर का हम आपसे जुड़े ही रहते हैं। तो जैसे हमने जो लैंड है, जो जगह है हमने परचेस की, वहाँ पे हमने डिज़ाइन वगैरह फाइनल कर दिया, लेआउट, फिर कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। तो जोता लेवल में जो हम क्या करना है, आप जितने भी डिटेल दूंगा मैं आपको फ़ोटोज़ और साइड में वीडियो आपको दिखते रहेंगे, ताकि आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा कि हम कैसे प्लम्बिंग करते हैं और क्या क्या साइज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम इकोड्रेन पाइप जो है हमें वो डालना होगा। तो इकोड्रेन पाइप में जो है तीन साइज आते हैं, पहला आता है 4 इंच, दूसरा आता है 6 इंच और तीसरा आता है 8 इंच। तो जब भी हम एक कस्टमर है, ये जोता लेवल के बाद में इन्होंने क्या किया, डक्ट में से अभी मैं ये लाइन दिखा रहा हूँ, ये काम आपको जो है जोता लेवल जब हम करते हैं सब में शुरुआत में, तो वहीं पर हमें क्या करना है, ये काम करना है, बट इन्होंने नहीं किया तो भी आपको मैं ये दिखाता हूँ। तो हमें ये काम जो है इन्होंने बैक साइड में जो है डिज़ाइन जो उनका था, तो बैक साइड में गैलरी है और सेंटर से जो है हमारा किचन है, किचन में से ये पानी फ्लो होते 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 गैलरी में आया, गैलरी है, गैलरी में से ये क्या हो गया, कोपरे में हमने उनको एक चैम्बर दिया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, चैम्बर से हमने वापस से इसको वैसे हमने क्या किया गाइस, यहाँ से बाथरूम में आया, बाथरूम से ये टॉयलेट में आया, टॉयलेट जो हमारा होता है वहाँ से वो वापस से बाहर की ओर गया, बाहर जाने के बाद हमने उसको बाहर एक पॉइंट छोड़ के दे दिया, बाद में से ये मेन लाइन को जॉइंट होगा। ये रहा सिस्टम, सबसे शुरुआत में हमें इकोड्रेन पाइप हमें घर के लिए हमारे को पहले लगाना होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन सा वाला साइज़ अपनाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 6 इंच भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, जहाँ पे सिंगल सनराइज बाथरूम और ये जो 1 BHK है वहाँ पे 6 इंच की गाइस ज़रूरत नहीं होती, वेस्ट ऑफ मनी होगा और वो पैसा आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो मैं जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, तो मैं कहता हूँ कि 3 अगर सनराइज बाथरूम, 1 किचन और या तो 2 फैमिली होगी, तो उनके लिए जो है 4 इंच का जो हमारा पाइप होता है ड्रेन पाइप, वो सफिशियंट है। वैसे भी हम 3 इंच वगैरह जो है वो बाथरूम को दे के उसे जॉइंट ही करते हैं, तो 3 सनराइज बाथरूम के लिए जो है नॉर्मली हम 4 इंची पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है रो हाउसेस के लिए जो मेन लाइन जो बाहर जाती है वहाँ पे हम 6 इंची रो हाउसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिविजुअल रो हाउस को हम क्या करेंगे, बाहर तक 4 का ला के वापस मेन लाइन 6 की दे दें। रहा अगर एक बंगलों के अंदर अगर 5-6 सनराइज बाथरूम यानी 3 से प्लस अगर आपके बाथरूम है, 2 किचन हो गए, 2 जो फैमिली है जॉइंट फैमिली है, अगर वहाँ पे अगर ये लाइन है तो वहाँ पे आप 6 इंची इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं तो कहूँगा कि 4 इंची आपके लिए सफिशियंट है। तो होता क्या है गाइज, अगर हमारे घर में सिर्फ 2 बाथरूम अगर हो गए, 3 बाथरूम या, तो वहाँ पे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, जो भी मैला है समझिए, फिर कुछ कचरा है, प्लास्टिक वगैरह, अगर वो पाइप के अंदर गया तो पाइप का आकार जो होता है 6 इंच का इतना ज़्यादा होता है कर्व, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, वेट, ये रहा गाइस पाइप, मैं आपको कुछ डेमो भी दिखाऊंगा। अब ये जो है 3 इंच का है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको अभी ये चीज़ दिखाऊंगा। ये जो है हमारा समझिए, हमने ये 6 इंच का पाइप है, तो इसका घेरा जो है वो यहाँ तक आएगा, ये इतना बड़ा घेरा हो जाएगा। तो जब पानी अगर सिंगल बाथरूम का ही होगा
तो फिर पानी जो है ये इसके नीचे नीचे से ही चला जाएगा यहाँ से, यानी पाइप का जो यूज़ है पूरे पाइप का यानी 3/4 ही होगा, यानी 100% में से आपका सिर्फ 15 से 20% ही पानी अगर फ्लो होगा तो इतना नीचे जाएगा। अगर मैला ज़्यादा हो गया, इसके नीचे की गहराई ज़रा ज़्यादा हो जाएगी 6 इंच की, तो वहाँ पे क्या होगा, जब मैला वगैरह अटकता है तो जब हम पानी फेंकते हैं, जब हम यूज़ करते हैं, ड्रेन करते हैं, तो वहाँ पे पानी का प्रेशर नहीं मिलता, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा। नीचे से जो हमारा सरफेस है वो बड़ा हो गया तो वो पानी डिवाइड होगा, और जो मैला वगैरह है जिसको उसको पुश करने के लिए जो हमारे को पानी का प्रेशर चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से आपको पानी ज़्यादा वेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम जो है 4 इंच का अगर हमने पाइप इस्तेमाल किया तो ये कर्व ज़्यादा होगा नीचे। ये दो टॉयलेट बाथरूम या 3 टॉयलेट बाथरूम हो गए तो की बात करो, अगर हमने एक पूरा बकेट अगर पानी डाला तो पूरा हाफ यानी 50 से 60% पानी वहाँ पे फ्लो होगा, और वो क्या करेगा स्पीड में जो है वो मैला कचरा जो भी होगा वो आपका पास ऑन करेगा। इसलिए मेरी यही राय है कि अगर आपका जो टॉयलेट बाथरूम सिर्फ 2 या 3 हो गया और किचन होगा तो आप जो है 4 इंच का ही वहाँ पे पाइप इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको चाहिए है 6 इंच तो आप क्या करें, बाहर जब हम ड्रेन लेके आते हैं, जो चेंबर बनाते हैं हम गेट के पास, वहाँ से आप मेन चेंबर के लिए आप एक 6 इंच का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ भी 4 इंच चल जाएगा, बट 6 इंच वहाँ 10 फीट के लिए आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर कुछ चौकअप वगैरह आ गया, क्या होता है वो ड्रेन में रिवर्स पानी आने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो 4 इंच में अगर मैला ज़्यादा अटका बाहर का तो वहाँ पे इजीली हम वॉश कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे पहला स्टेप जब भी हम प्लम्बिंग की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे इको ड्रेन पाइप हमें इस्तेमाल करना होता है। तो गाइज, अब इको ड्रेन के रिलेटेड या इसके जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं श्योरली आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और 8 इंच पाइप और 6 इंच पाइप मैक्सिमम रो हाउसेस और अपार्टमेंट के जो साइड होते हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं, साइड में वहाँ पे भी हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 6 इंच दिया है, तो आप 6 इंच और 8 इंच भी ऑप्शन वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक गाइज ये हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर, इस तरीके से हम प्लम्बिंग आपके घर का, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो वीडियो शूट करते हैं हम ये शॉप में ही करते हैं, इसकी वजह से जो बैकग्राउंड में आपको गाड़ियों की वगैरह जो आवाज़ आ रही है उसका डिस्टर्बेंस होगा, तो उतना आप हमारे लिए एडजस्ट कर दीजिए। तो चलते हैं, यहाँ तक आपको फर्स्ट जो है आपको स्टेप समझ में आया, अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर। अब यहाँ से आपके घर में हम प्लम्बिंग की शुरुआत हो गई है। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमने कैसे इको ड्रेन पाइप को इस्तेमाल किया और क्या साइज़ होते हैं और कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है आपका जोता लेवल हो गया, वॉल आपके बन गए हैं, तो अगला जो स्टेप आता है प्लम्बिंग में वो होता है मार्किंग। जैसे किचन में वगैरह हम वॉल वगैरह बन गए, आप देख सकते हैं साइड में, यहाँ पे अभी मार्किंग, यहाँ पे प्लम्बर की शुरुआत हो गई। सबसे पहले अभी आता है कि आप अटैच बाथरूम कर रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं या अलग अलग टॉयलेट बाथरूम कर रहे हैं, उसके हिसाब से अभी प्लम्बर आएगा और मार्किंग करेगा और वहाँ पे हम पॉइंट दे सकते हैं। तो अब जो यहाँ पे पॉइंट आता है कि आप अटैच संदर्भ बाथरूम होगा तो हम कितने पॉइंट दें और वहाँ पे क्या क्या लगाना चाहिए। तो अटैच संदर्भ टॉयलेट बाथरूम के लिए मैं सबसे पहले आपको प्रेफर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हम आपको देना चाहिए इसके अंदर जो हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम है। सबसे पहले जो है हमारे को गीज़र चाहिए, इलेक्ट्रिक हो, सोलर हो या तो फिर गैस गीज़र हो, ये एक पॉइंट आएगा अटैच टॉयलेट बाथरूम में। उसके बाद वॉल मिक्सर आएगा, शावर आएगा, 2-way कॉक आएगा, कमोड के पॉइंट्स आएंगे, कमोड के बाद आपको फ्लश टैंक के लिए एक पॉइंट आएगा, हेल्थ फोसेट के लिए आएगा, और जो है हमारा वॉश बेसिन। अगर अटैच बाथरूम है तो स्पेस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम एक छोटा सा वॉश बेसिन जो है हम वहाँ पे बिठा सकते हैं। और अब मैं आपको लाइव फोटोज़ भी आपको जैसे बताया वहाँ पे आपको साइड में दिखाई देगा। तो अब सबसे पहले जो है प्लम्बर क्या करेगा, वहाँ पे मार्किंग करके आपकी जो है वो कंसील फिटिंग का शुरुआत हो जाती है। तो जब भी आप पॉइंट दे रहे हैं तो पहले ही प्लम्बर को बताएं, वॉल मिक्सर की जगह हम डाइवर्टर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो वो भी आप बताएं, कमोड की जगह हम इंडियन भांडा लगाना चाहते हैं तो वो भी पहले प्लम्बर को बताएं, या उसकी जगह हम वॉल हैंग कमोड चाहते हैं तो वो भी बताएं। तो बेहतर होगा आप पहले ही बताएंगे तो प्लम्बर को जो है वो इजी हो जाएगा कि वो फिटिंग उस तरीके से वो माप में वो वहाँ पे फिटिंग कर सकता है। और एक गाइस याद रखें, हमेशा अगर आप स्टाइलिश कमोड वगैरह भांडा बटाना चाहते हैं
जैसे वन पीस वगैरह होते हैं, तो आप पहले कमोड चॉइस करें और प्लम्बर को बताएं। बहुत साइड में मेरे पास एक बार ऐसे हुआ है कि कस्टमर मेरे पास बताए हुए, वो क्या कहे रेगुलर बांडे के वहाँ पे जो प्लम्बर को बताए कि बस कमोड लगाना है, बाद में वन पीस वाला वहाँ पे फोटो देख सकते हैं। पहले ये रेगुलर कमोड की उन्होंने डिमांड की, उसके हिसाब से प्लम्बर ने पॉइंट छोड़ा, वो तकरीबन 6 इंच छोड़ा उसने नीचे से, एस टैप था तो नीचे पॉइंट था। उसके बाद जो है सामने ही एक कस्टमर का फिर से कंस्ट्रक्शन था उनके पहचान में, तो उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था वन पीस, यानी आप देख सकते हैं साइड में ये वन पीस वाला उनको कमोड चाहिए था, तो वो कमोड उनको पसंद आया। बट उसकी जो नीचे वाली लेंथ थी वो वॉल से पुरानी वाली 6 थी रेगुलर वाली, और ये थी 12 इंच की। अब वहाँ पर ऑलरेडी टाइल्स वगैरह लग गए, वहाँ पर फिटिंग हो गई, तो फिर ये दिक्कत आती है। तो गाइज हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी घर बना रहे हैं तो अगर आप स्टाइलिश अगर कम्बोड वगैरह बिठाना चाहते हैं तो पहले ही हम प्लम्बर को और वो जो डिज़ाइन है वो पहले ही आप चॉइस करें, ताकि प्लम्बर या आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज़ वो फिर से तोड़ फोड़ करके आपको वहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, या तो फिर मजबूरन आपको रेगुलर वाला कमोड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम पॉइंट्स कौन कौन से अभी हमें लगाना है, आप कौन कौन से कितने पॉइंट होते हैं। तो नॉर्मली अटैच टॉयलेट बाथरूम को जो है आपको 10 पॉइंट देने होते हैं। 10 पॉइंट में आपको देखेंगे आप साइड में स्टेप बाय स्टेप, ये 2 पॉइंट जो सब में पहले लगते हैं, ये 2 पॉइंट लगेंगे गीज़र के लिए, जो हम गैस गीज़र लगाओ इलेक्ट्रिक गीज़र लगाओ इसके लिए ये पॉइंट हो गया। सोलर का होगा तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट पॉइंट आएगा, बट सोलर भी अगर आप लगा रहे हैं तो ये 2 पॉइंट इमरजेंसी के लिए आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे दे के आप एंड कैप वहाँ पे इस्तेमाल करें। खैर, तो फिर सब में पहले हमारा जो पॉइंट आते हैं वो है गीज़र के लिए, एक इनलेट होगा और एक आउटलेट होगा। उसके बाद हम आते हैं सीधा नीचे वॉल मिक्सर के पास, ये गीज़र का हो गया पॉइंट, साइड में आप देख सकते हैं कंटिन्यू ये रहे गीज़र के 2 पॉइंट। उसके बाद वॉल मिक्सर के नीचे वाले 3 पॉइंट, यानी एक हॉट एक कोल्ड और एक शावर को जाएगा, ये 3 पॉइंट रह गए। फिर उसके बाद डायरेक्ट ऊपर जो जाएगा वो है शावर के लिए पॉइंट, एक हो गया शावर का पॉइंट, 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पे हो गए, पहले 2 फिर यहाँ पे 4, ये पॉइंट हो गए 6। उसके बाद हम आते साइड में, वहाँ पे होता है हमारा कमोड, अगर रेगुलर कमोड हो या वन पीस कमोड हो उसके लिए सेम पॉइंट है, एक पॉइंट जाएगा फ्लश टैंक को, एक पॉइंट जाएगा आपका हैंड हेल्प फोसेट को, एक पॉइंट एक पॉइंट जेट को, एक पॉइंट फ्लश टैंक को और एक पॉइंट हेल्प फोसेट को। हेल्प फोसेट में गैस हम 2-way का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 2-way और हेल्प फोसेट के लिए अलग से देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये 2-way कॉक जो दिया है तो इसमें ही हम हेल्प फॉसेट लगा सकते हैं, तो इसके लिए हमें अलग से पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कमोड के पास हो गए 1 2 पॉइंट। उसके बाद हम जो है जैसे 2-way कॉक जो है हमारा कौन सा जहाँ पे हम हेल्प फॉसेट लगाते हैं, एज इट इज़ हम फ्लश टैंक और जेट के लिए हम एक 2-way एंगल कॉक वहाँ पे लगा सकते हैं। तो पॉइंट क्या हो गया गाइस, कम होगा और प्रेशर ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, तो हमें 10 पॉइंट की ज़रूरत थी। तो हमें अटैच क्या क्या होने वाला है, हेल्प फॉसेट और 2-way कॉक एक इसमें होगा पॉइंट में, और फ्लश टैंक आप साइड में वीडियो देखिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो हेल्प फॉसेट और इसके लिए गया, सेकंड वन जो जाएगा हमारा कमोड और जेट स्प्रे के लिए। जी हाँ, तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट हो गए और पहले के 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। अब रहा हमारा अगला पॉइंट आया हमारा वॉश बेसिन के लिए, कमोड के सामने हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वॉश बेसिन को एक नीचे एंगल कॉक का एक हमें पॉइंट देना है। तो इस तरीके से गाइस, ये हमारे बाथरूम के जो है ये पॉइंट हो गए, ये हो गए नल के पॉइंट। अब आता है यहाँ पे सब में मेन ऑप्शन, जैसे इक्वेटोरियम में था वैसे ही अभी यहाँ पे भी एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पाइप कौन सा इस्तेमाल करें। प्लम्बर क्या करते हैं गाइस, पूरा CPVC लोग बोलते हैं, वहाँ पे हमारा कॉस्ट ज़्यादा जाता है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि UPVC इस्तेमाल करें। तो मेरी पर्सनल राय यही है दोस्तों कि जितना भी कंसील्ड पॉइंट हो रहा है वहाँ पे 100% आप जो है CPVC ही इस्तेमाल करें। आगे हम क्या कर सकते हैं, CPVC से UPVC ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो जितना भी हमारा कंसील पॉइंट हो रहा है वहाँ पे हमें क्या करना है गाइस, CPVC का ही पाइप का इस्तेमाल करना है। CPVC पाइप हम कंसील में करेंगे और जो बाकी का है हम UPVC में इस्तेमाल करेंगे, टाकी का आउटलेट है। तो अब यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया, अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं है,
अगर आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम ना हो कि आपके सिंगल टॉयलेट और सिंगल बाथरूम अलग अलग के हैं, तो वहाँ पे के जो पॉइंट है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो एक गीज़र के लिए हो गया, सेकंड वॉल मिक्सर के 4 पॉइंट हो गए, यानी वॉल मिक्सर शावर। इस तरीके से हम सिर्फ 6 ही पॉइंट हम सिंगल बाथरूम में लगाए। और अगर ऑब्वियसली अगर टॉयलेट होगा वहाँ पे इंडियन होगा तो सिर्फ हम एक टू वे कॉक के लिए 1 पॉइंट दे देंगे, और अगर वहाँ पे आप कमोड लगा रहे हैं तो वहाँ पे हम 2 पॉइंट देंगे। 2 पॉइंट सेम एक नल के लिए टू वे कॉक, वो है फोसेट से अटैच हो जाएगा, और एक फ्लश टैंक है वो हम जेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कमोड होगा तो 2 पॉइंट, और सिंगल होगा तो टॉयलेट इंडियन, वहाँ पे सिर्फ हम 1 ही पॉइंट देंगे। तो इस तरीके से ये पॉइंट के डिवाइडेशन हो गए। तो आपका कौन सा टॉयलेट बाथरूम है वहाँ पे आप ये पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला और एक बाथरूम आता है, वो है मास्टर बाथरूम। जी हाँ, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने हमारे पहचान में रिलेटिव में एक रिनोवेशन किया हुआ है, वहाँ पे हमने मास्टर बाथरूम बनाया हुआ है। वहाँ पे वॉल हैंग कमोड है, और जो हमारा बाथटब है बाथटब लगाया हुआ है, अटैच का काउंटर जो वॉश बेसिन है वहाँ पे हमने वो इस्तेमाल किया है, उसका वीडियो भी हम जल्दी बनाएंगे। फिलहाल जो है हम बेसिक जो है वही डिटेल अब हम लेने वाले हैं, जो बेसिक नॉर्मली जो हमारे टॉयलेट बाथरूम जो हम बनाते हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी टॉयलेट बाथरूम हो उस तरीके से हम ये जो मैंने अभी पॉइंट गिनाए हैं उसके हिसाब से आप वहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं, और वो प्लम्बर देगा, आप बस उनको बताना है कि इतने इतने हमारे को पॉइंट चाहिए। तो अब ये भी हो गया, अब हमारा कटिंग हो गया। अब यहाँ पे अभी मैंने बोलते बोलते बीच में रुक गया कि CPVC और UPVC चॉइस क्या करें। तो अब हमें चॉइस करना है UPVC और CPVC पाइप को। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जितना भी कंसीलर जो फिटिंग है हमारी वहाँ पे हम CPVC पाइप का इस्तेमाल करें, और जहाँ पे ओपन लाइन आ रही है जैसे कि टैंक के बाहर से जो पाइपलाइन हमारी नीचे तक आती है वहाँ पे हम UPVC का ही इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से गाइज ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। तो इस तरीके से यहाँ तक जब वॉल आने के बाद जो हमारे ये प्लम्बिंग का अगला स्टेप आपको मिल जाएगा। अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, यानी इसी वीडियो में अगले चैप्टर के लिए, जो ड्रेन के बाद जो फिटिंग होती है वो कौन सी होती है। तो अगले चैप्टर में हम ये देखेंगे नैनी ट्रैप वगैरह फिटिंग जो होती है SWR की, ये कब और कहाँ पर होती है। अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर पर। तो गाइज अगला जो हमारा पार्ट है वो है हमारा SWR फिटिंग, जो बाथरूम में हम फिट करते हैं। CPVC जो है हमने कंसील फिटिंग वहाँ तक हमने कर दी है। अब जो है कंसील फिटिंग के बाद जो आता है उसी टाइम पे